और वहाँ से मैं हल्दी 7% कुर्कुमिन लेवल, जो अधिकारी कर जानते हैं कि 7% जो कुर्कुमिन लेवल की हल्दी है वो मैंने भी उगाई है अपने खेतों के में। तो हम चाहें अपने खेतों से बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी आमदनी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा बात को समझें। क्योंकि आप देखें कि समाज धनवान हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। आज लोग ना पैसा खर्चने से डरते नहीं है, उन्हें चाहिए बढ़िया प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट। मांग के करते हैं लोग। अब मेरे को बड़ी खुशी है, जब मैं मिलेट्स के ऊपर काम शुरू कर रहा था स्टार्टिंग में, तो हम बेचने जाते हैं ना, मैं बात करता लोगों से, तो लोगों को पता ही नहीं कि मिलेट्स क्या है, भूल चुके हैं लोग, क्योंकि सदियों पुरानी बातें हैं। और कहाँ कोदो मिलेट्स है, फॉक्सटेल है, ब्राउन टॉप है, बर्नार्ड मिलेट है, कौन जानते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब बता, अब एक समझे कि नए सिरे से रेवोल्यूशन है। और फिर चैलेंज आया कि मार्केट का इशू था एक छोटा सा, तो उसको भी मैंने कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी टीम है 2-4 लोगों की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो पूरा हिंदुस्तान आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। आज हम लोग जो है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, हम कलकत्ता से माल मंगवा रहे हैं, दिल्ली से माल मंगवा रहे हैं, तो जब हम मंगवा रहे हैं तो हम बेच भी तो सकते हैं ना। तो उसी संदर्भ में मैं सोच रहा था कि क्यों ना हिमाचल प्रदेश के जो मेरे लोग हैं, हमारे किसान हैं, हम लोग सभी मिलकर जो है एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जहां हम बेहतर प्रोडक्ट तैयार करें और अपना अपनी एक पहचान बनाए, हम अपना एक अलग ही सोच के साथ आगे निकलें। तो मैंने himachalbazaar.com नाम से कई पोर्टल बनाया उसमें। तो आज हमें ना ऑर्डर भी आ रहे हैं, मिलेट्स के ऑर्डर आ रहे हैं। अभी एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है बिहार से, तो उन्होंने मेरी वेबसाइट देखी गूगल के ऊपर, तो 10 किलो मिलेट्स का आटा मंगवाया, जिसमें 2-2 किलो लिया उन्होंने, कोदो मिलेट्स था, फॉक्सटेल था, बर्नार्ड था, ब्राउन टॉप था। उन्होंने बोले यार 2-2 किलो दो भेजो मेरे को और हम इसको आगे करते हैं। तो हम भी बेच रहे हैं। तो जो मेरा FPO का जो आइडिया है, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है, जब सरकार और कहते हैं कि लोग जो हैं वो संयुक्त रूप से एक आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, तो हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। जहाँ शुरुआत की बात है, कई बार पता क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम बनाएंगे ना तो बेचेगा, ठीक है। तो पहले हम इस बात में नहीं जा रहे हैं, मैंने बात की थी, और हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा। हम चलेंगे अपने आप से, हमें अपने लिए उगाना पहले तो, ठीक है। जब हम अपने लिए उगाएंगे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आस्ते 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 जो है हम इसको बेटर करेंगे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को जब इन्होंने बोला, आज भी डॉक्टर साहब की 2-3 बार कॉल आई मेरे को कि आप कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो मैंने बोला कि मैं अभी रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँच रहा हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं एग्रीकल्चर विभाग से भी एक बेहतर कल की उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि हम सभी मिलजुल कर एकजुटता के साथ एक परिवार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और जो आने वाला कल है, आने वाली पीढ़ी है, हो सकता है हम एग्रीकल्चर के अंदर ही उनको स्वरोजगार का एक बेहतर बिस्कुट खाते हैं, आज बच्चे मैदा खा रहे हैं, ठीक है, और मैदे के प्रोडक्ट खा के जो है बच्चों का क्या हालात है वो किसी से छिपा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जब हम अच्छी बातें करना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसे सीखेंगे। तो